आप इसमें कैमन फॉलोवर जो कंप्लीट जो आपका जो चैप्टर है ये इससे, सो हाउ कैमन फॉलोवर मैकेनिज्म वर्क्स, कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है फर्स्ट चीज। सेकंड है इसमें टर्मिनोलॉजी ऑफ कैमन फॉलोवर। ओके सो टर्मिनोलॉजी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम, बट अपन स्पेशली इसमें जो रेडियल कैम है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा जो डिस्क कैम है वो भी देखेंगे, फॉलोवर की टर्मिनोलॉजी क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है इसमें कि हाउ टू ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर डिफरेंट फॉलोवर मोशन। ओके सो ये जो क्वेश्चन होता है जो अपना जो भी न्यूमेरिकल होगा उसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हर एक के लिए बनाना पड़ेगा। सो हम कौन सा फॉलोवर मोशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम जिस भी फॉलोवर मोशन को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमको हेल्प करेगा कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करने में, ठीक है। सो हमको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम चाहिए, एंड जैसा आपको आउटपुट मोशन चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसा आपको आउटपुट मोशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं। वो डिपेंड करेगा आउटपुट कैसा चाहिए उससे हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। तो जो भी सेट्स ऑफ डेटा होंगे वो हम आउटपुट से कैम के ऊपर लेके आएंगे प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि हाउ कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म वर्क्स। सो इसमें आप देख सकते हो सिंपल सा कि दिस इज अ कैम, ये कैम है ये, तो कैम इज ऑलवेज अ ड्राइवर, ये आपको याद रखना। हमेशा जो ड्राइवर होगा वो कैम होगा, एंड जो फॉलोवर होगा वो हमेशा क्या होगा, ड्रिवन, ठीक है। दिस इज गाइड, ये गाइड क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जो फॉलोवर है इसको गाइड कर रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। एंड यहाँ पे जो कैम होता है उसमें एक आपको टर्निंग पेयर मिलेगा, ओके, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। सो अगर आपको नंबर ऑफ लिंक इसमें काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे, एक तो होता है हमारा फिक्स लिंक। देखो यहाँ पे जो गाइड है, गाइड इज अ फिक्स्ड, गाइड जो है वो फिक्स्ड है, एंड जो जो कैम है उसको जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ओके, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज आल्सो फिक्स्ड। जो भी फिक्स्ड होता है उसको हम लिखते हैं लिंक नंबर वन, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर वन, जहां पे भी फिक्स दिखे हर जगह पे अपन लिंक नंबर वन फिक्स कर देंगे, लिख लेंगे दिस इज आल्सो लिंक नंबर वन, दिस इज लिंक नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड, तो सेकेंड हमेशा हम ड्राइवर की तरफ जाते हैं, सो दैट इज कैम, यहाँ पे भी सेकेंड में बोलूंगा कैम, दैट इज ड्राइवर, ओके। एंड थर्ड नंबर दैट इज फॉलोवर, सो द फॉलोवर इज नंबर थ्री, एंड फॉलोवर इज नंबर थ्री। सो टोटल हमको तीन चीज चाहिए, फर्स्ट फ्रेम, फ्रेम में क्या क्या हो गया, गाइड भी आ गया इसमें, ओके, एंड दूसरा क्या आ गया, जो कैम को जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सो बियरिंग बोल सकते हैं इसको, बियरिंग्स। सेकेंड नंबर है कैम, दैट इज ऑलवेज अ ड्राइवर, एंड थर्ड नंबर अ फॉलोवर, दैट इज ऑलवेज अ ड्रिवन। सो मेन एसेंशियल हमको तीन कंपोनेंट चाहिए जब भी हम बात करेंगे कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म की। यहाँ पे जो फॉलोवर दिख रहा है दिस इज अ रोलर फॉलोवर, एंड दिस टाइप ऑफ फॉलोवर इज अ नाइफ एज फॉलोवर, ठीक है, तो और इसको अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट। अब अगर हमको निकालना है कि मोबिलिटी ऑफ कैम एंड फॉलोवर जो मैकेनिज्म है उसकी मोबिलिटी क्या होती है, सो मोबिलिटी सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कि भाई कितना इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, कितना सिंपल सा अगर मैं बोलता हूँ कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू वन, मतलब एक इनपुट आपको देना पड़ेगा एक आउटपुट के लिए। अगर यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टू, मतलब दो इनपुट आपको एट ए टाइम देना पड़ेंगे एक साथ वन आउटपुट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा कैलकुलेट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ लिंक आर थ्री, सिंपल सा क्या है, फिक्स लिंक, फिक्स लिंक, ओके, एंड दिस इज कैम, एक तो ये कैम हो गया, एंड दिस इज फॉलोअर, सो दिस इज नंबर थ्री एंड दिस इज नंबर टू, सो टोटल नंबर ऑफ लिंक आर थ्री। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जे बराबर टू लिख रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय जे, जे इज द नंबर ऑफ लोअर पेयर, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं लिंक वाइज चलते हैं, ठीक है, सो वन एंड टू उसके बीच में एक टर्निंग पेयर है, सो दिस इज वन बी, ओके, वेरी गुड, एंड दिस इज फिक्स नंबर वन, एंड जो थ्री है, ओके, वहां पे एक स्लाइडिंग पेयर है, दिस इज स्लाइडिंग, ओके, यहाँ पे स्लाइडिंग है, सो दिस इज ऑल्सो वन बी, जे बोल सकते हैं इसको सिंपल। फिर अगर अपन यहाँ पे देखें जो टू है, कैम टू एंड फॉलोवर, उसके बीच में कैसा कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, तो कॉन्टेक्ट इज सिंपली अ लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं। सपोज मैंने बोला लाइन कॉन्टेक्ट, सो दिस इज हायर पेयर, ओके, ये क्या हो गया, हायर पेयर, एंड एच इज इक्वल टू वन। सो ये चीज समझ में आ गई, नंबर ऑफ लिंक आर थ्री, लोअर पेयर टू, एक तो हो गया यहाँ पे टर्निंग पेयर, एंड वन इज स्लाइडिंग पेयर, एंड एच इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स द कॉन्टेक्ट ऑफ कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। सो ये तीन चीज आपको समझ में आ गई है, ओके, वेरी गुड, ओके। सो और इसको थोड़ा मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका,
उसके बाद जो फॉर्मूला है अपना कुछ बैक फॉर्मूला, उससे हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो सिंपली हमको सबकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जे की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इसका मतलब यही है कि यू हैव टू गिव वन इनपुट, दिस इज वन इनपुट एंड यू विल गेट वन आउटपुट। ओके, सो हमेशा जब भी बोलेंगे इनपुट किस पे होगा, कैम पे होगा। सो कैम इज ऑलवेज ड्राइवर, और क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज इनपुट। इनपुट कहाँ पे देंगे, कैम के ऊपर, एंड आउटपुट कहाँ पे देंगे, फॉलोवर पे। आउटपुट कहाँ मिलेगा हमको, फॉलोवर के ऊपर। सो जो फॉलोवर होगा ऑलवेज ड्रीवन, ठीक है, और क्या बोल सकते, कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू शेप, जो कैम है उसका शेप कैसा है उसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अकॉर्डिंग टू फॉलोवर मोशन, जो फॉलोवर का जो मोशन है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉलोवर, ठीक है। तो ये तीन टाइप से अपन देखते हैं इसको। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू शेप, तो अकॉर्डिंग टू शेप में क्या है, वेज एंड फ्लैट कैम एक कैटेगरी में आएगा, ये रेडियल और डिस्क कैम एक कैटेगरी में आएगा, स्पाइरल कैम आ गया, सिलेंड्रिकल कैम आ गया, कॉन्जुगेट, क्लोबोडल और स्पेरिकल कैम। तो ये सब शेप के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब अगर मैं मोशन के हिसाब से बात करूंगा तो मोशन के हिसाब से ये हो जाएगा कि जो फॉलोअर है उसको कैसा मोशन दे रहा है कैम, ठीक है ना। जो कैम है वो फॉलोअर को कैसा मोशन दे रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जो फॉलोअर है उसको राइज किया, उसको रिटर्न किया, वापस राइज किया, कंटिन्यूस राइज रिटर्न, राइज रिटर्न, तो दिस इज वन टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मोशन बोल सकते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसमें कि भाई पहले पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टेशनरी है फॉलोअर, उसके बाद राइज रिटर्न, फिर वापस स्टेशनरी, तो एक कंडीशन ये हो सकती है। थर्ड कंडीशन में क्या हो सकती है कि सबसे पहले स्टेशनरी मतलब 12 आ गया, उसके बाद उसको राइज किया, मतलब राइज बोले तो लिफ्ट किया उसको, उसके बाद अगेन 12, तो 12 मतलब वहां पे स्टेशनरी, अभी वहां पे उसका जो मोशन है वो जीरो हो गया, ठीक है, फॉलोवर वहीं पे है। उसके बाद वापस रिटर्न, फिर वो वापस रिटर्न आ रहा है अपनी जो फर्स्ट पोजिशन थी स्टार्टिंग, उसके बाद वापस वो जो उसका जो मोशन था फॉलोवर का वो स्टेशनरी होगा। सो दैट इज डी आर डी आर डी, ठीक है, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन। एंड लास्ट इज 12 राइज 12, एंड इसमें आप बोल सकते हो कि सिंपल सा जो रिटर्न है वो फॉल के हिसाब से भी हो सकता है, फॉल। सो 12 राइज 12 फॉल, ओके, सो दैट इज टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉलोअर, कंस्ट्रेंट मतलब उसको कैसे आपने उसको कैसे कॉन्टेक्ट में रखना है आपको। सो अगर आपको कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं करना है फॉलोअर एंड कैम का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्प्रिंग्स का यूज कर सकते हो, आप पॉजिटिव ड्राइव मतलब आपने एक स्लॉट बना दिया, उस स्लॉट के ऊपर आप उसको अटैच कर दो फॉलोअर के मोशन को, दिस इज अ कैम, ओके, कैम के ऊपर आपने स्लॉट बना दिया एंड जो फॉलोअर का जो एंड है उसको आपने स्लॉट में इंसर्ट कर दिया, तो वैसे भी चलेगा। एंड थर्ड इज ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं बोलूंगा वेज एंड फ्लैट कैम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज वेज शेप, सो दिस इज अ वेज कैम, ठीक है, सो डब्ल्यू वी डी वेज कैम, दिस इज अ वन टाइप ऑफ वेज कैम, एंड यस दिस इज वेज कैम, इसको भी आप बोल सकते हो, ये सब वेज कैम में आ गया ये सब, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसको हमने इसलिए यूज किया है ताकि जो ये मोशन का जो फॉलोअर एंड जो कैम है इनका जो कॉन्टेक्ट है वो ब्रेक ना हो। सो द कॉन्टेक्ट शुड बी कंटिन्यूस, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट हमेशा रहना चाहिए। देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमेशा कॉन्टेक्ट में रह रहा है दोनों, अगर ये कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे इसको अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी इनपुट क्या है, जो कैम है उसमें हमने इनपुट दिया है रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेशन बोल सकते हैं सिंपल, एंड जो फॉलोअर है उसमें भी आपको रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा है, ठीक है। सो रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग, ये आपको एक चीज समझ में आ गई। सेकंड यहाँ पे मैं अगर इसको बात करूँ, सो यहाँ पे जो कैम है दिस इज रेसिप्रोकेटिंग, बट जो फॉलोअर है दैट इज वन टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ओके, सो रेसिप्रोकेटिंग या फिर बोल सकते हैं इसको ट्रांसलेशन, एंड जो फॉलोअर है दैट इज ऑसिलेटरी, ठीक है, वो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें। ये चीज आपको समझ में आ गई वेज एंड फ्लैट कैम, ओके। सेकंड रेडियल एंड डिस्क कैम, यहाँ पे देखो आप रेडियल एंड डिस्क कैम। अब रेडियल एंड डिस्क कैम में क्या हो रहा है, सो दिस इज कैम एंड दिस इज योर फॉलोअर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कंटिन्यूस रोटेट, ओके, ये कंटिन्यूसली रोटरी मोशन हो रहा है, जो कैम है इसमें रोटरी मोशन हो रहा है, दिस इज रोटरी, ये कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है, एंड जो फॉलोअर है वो इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, एंड दैट इज अ रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, ये ट्रांसलेशन कर रहा है, दिस इज अ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो रोटरी टू ट्रांसलेशन, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर आपको इजिली और अच्छे से देखना, दिस इज रोटरी एंड दिस इज रेसिप्रोकेटिंग, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन आपको ये समझ में आ गई, सो दिस इज अ रेडियल टाइप कैम,
एंड इन दिस दिस इज सेकेंड वन, दिस इज, ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज डिस्क, ठीक है। तो डिस्क में क्या हो रहा है, देखो डिस्क कंटिन्यूसली रोटेट करी। अब डिस्क में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क ये सेंटर भी होता है, बट अपन ने सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे रखा है, पर्टिकुलर कुछ एसेंट्रिसिटी, पर्टिकुलर कुछ ई डिस्टेंस पे अपन ने उसका क्या रखा, एसेंट्रिसिटी। वहां पे सेंटर ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्ट सर्कल के रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन इसको कंप्लीटली रोटेट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो इसमें सिंपल सा जो बेस सर्कल होगा, ओके आपका, उसके ऊपर जो भी रेडियल डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग वो लिफ्ट करेगा, ठीक है। सो लाइक दिस, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड थर्ड नंबर क्या है, स्पाइरल कैम। सो स्पाइरल कैम में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या लिखा है यहाँ पे, देखो स्पाइरल ग्रूव्स कंसिस्ट ऑफ टीथ विच मैश विद अ पिन गियर फॉलोवर। देखो यहाँ पे एक फॉलोवर है, ओके दिस इज अ फॉलोवर, यहाँ पे क्या लगा रखा अपन ने, पिन गियर, छोटा सा एक गियर है, ठीक है। एंड जो ये कैम है, दिस इज अ कैम, इसके ऊपर आपके पास है स्पाइरल स्पाइरल ग्रूव्स, ओके। एंड उस स्पाइरल ग्रूव्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो पिन गियर है वो उसके कांटेक्ट में रहेगा। जैसे आप कैम को रोटेट करोगे उसके हिसाब से वो जो पिन गियर है वो अपने एक्सिस पे घूमेगा, एंड जो फॉलोवर है उसको ट्रांसलेशन मोशन भी देता रहेगा, ठीक है। एंड जो कैम है वो रोटेट होगा, एंड जो फॉलोवर है ट्रांसलेशन, ओके। सो लाइक दिस इज अ स्पाइरल कैम। उसके बाद अपन बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैम की। तो सिलेंड्रिकल कैम में आपको सिंपल सा ये देखना है, देखो फर्स्ट कंडीशन में तो ये है जो आपको ये चीज समझ में आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। देखो सिलेंड्रिकल कैम में ये भी चीज पॉसिबल है कि ये ऑसिलेट करे, दैट इज पॉसिबल, और ट्रांसलेट करे, दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। एक तो ये चीज हमने आ गई, देखो ऑसिलेट वाली चीज तो ये रही, एंड जो ट्रांसलेट करा ये हो गया। अब यहाँ पे ये इसको समझना आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर आपने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, आपने एक सिलेंडर ले लिया, वेरी गुड। अब आपने क्या किया, इसको कट कर दिया। इसको कट कैसे किया, सपोज इसको ऐसे कट किया, जैसे आपने इसको ऐसे कट किया है, अभी जो आपका सिलेंडर है वो आपका सिलेंडर ऐसा हो गया है, ठीक है। और इसका जो मोशन है, जो इसका जो रोटेशन है वो ऐसे हो रहा है, और ये इनपुट इसको कैसे मिलेगा, लाइक दिस, ये। अब ये चीज तो हो गई कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, एक फॉलोवर लगा लिया है, ये सपोर्ट, और यहां से आपने स्प्रिंग चालू करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक गाइड बताना है, सिंपल सा एक गाइड आपके हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग हमेशा इसको यहाँ पे कांटेक्ट में बना के रखेगी। अब आपको ये समझना है कि जब ये 180 डिग्री रोटेट करेगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जो ये चीज है वो ऊपर चली जाएगी, जो ये नीचे चली जाएगी, सो क्या हो जाएगा, ये लाइक दिस, ओके, ये ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री के रोटेशन पे, क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो देखो इसमें तो मूवमेंट आ जाएगा ना, ये तो मूवमेंट आ जाएगा ना। अब इसका जो एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, सो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ गया लीनियर, फिर जब वापस 180 घूमेगा तो वापस इधर, तो टोटल जो इसका जो लिफ्ट या जो भी आप बोलोगे इसमें ट्रांसलेशन, वो ये पर्टिकुलर अमाउंट में ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा एंड की साइड में लेके जाता हूँ तो ट्रांसलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ओके, डिपेंड करेगा आप कितना एंगल दे रहे हो उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो सिंपल सा जो कैम है दैट विल बी रोटरी मोशन, एंड जो आपका फॉलोवर है दैट विल बी ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज योर कॉन्जुगेट कैम। इसमें आपको क्या समझना है, यहाँ पे क्या है, अगर इसका 3D अगर अपन देखते हैं तो लाइक दिस, एक डिस्क है ये, और नीचे दूसरी डिस्क आपने ऐसे जोड़ रखी है, लाइक दिस, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया अच्छे से। अच्छे से जोड़ने के बाद आपने क्या किया, इसका एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ पॉइंट रखा आपने, कि भाई दिस इज सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, और इसका जो एक्सिस है वो ये है, दिस इज एक्सिस, ओके। अब इसके अबाउट वो ट्विस्ट टर्न करेगा, ठीक है, इसके अबाउट टर्न करेगा। फिर आपने क्या किया, आपने ये तो बना दिया है किसको,
ये तो आपने बना दिया है अपने कैम को, अब आपको फॉलोवर बनाना है। ठीक है, तो फॉलोवर के लिए क्या किया, एक तो आपने रखा इसके कांटेक्ट में, एक रखा आपने इसके कांटेक्ट में। चलो आपने सपोज इसके कांटेक्ट में जो रखा है उसको आपने ऐसे रख दिया है, ओके, एंड जो दूसरा रखा है वो यहाँ पे रखा है आपने, जो नीचे वाला है उसके कांटेक्ट में, और इन दोनों को एक साथ में रख दिया आपने लाइक दिस, ओके। अब आप जब भी इसको देखोगे, और इसके इसका जो टर्निंग है वो टर्निंग सपोज यहाँ पे है इसके अबाउट, ठीक है, तो जब भी इसको आप देखोगे हमेशा ही कांटेक्ट में रहेगा, ये इसके हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, ये इसके हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, सो दिस विल बी इन ऑलवेज कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है आपका रोटरी, और आपको इससे क्या मिल रहा है, ऑसिलेटरी लाइक दिस, ये मोशन आपको इससे मिलेगा ऑसिलेटरी, तो ये रोटेट करेगा और ये हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा ये। सो सिंपल सा है कि डबल डिस्क कैम टू डिस्क बीइंग कीड टुगेदर, ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट कैम्स। उसके बाद नेक्स्ट अपन जाते हैं ग्लोबेटल कैम में। ग्लोबेटल कैम में आपको इतना ध्यान रखना है सेम सिलेंड्रिकल की तरह है, बट यहाँ पे क्या है आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस आपको मिलेगा, ठीक है, सो सर्कमफेरेंशियल कंटूर कट ऑन कॉन्वेक्स एंड कनकेव सरफेस। अगर यहाँ पे भी अगर आप कैम का मोशन देखते हो, सो दिस इज कैम, दिस इज रोटरी मोशन, ठीक है, एंड जो आपका फॉलोवर है दैट इज ऑसिलेटरी। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो कैम दैट इज रोटरी मोशन, एंड जो फॉलोवर है दैट इज यहाँ पे, यस दिस इज ऑसिलेटरी, तो ठीक है, सो रोटरी टू ऑसिलेटरी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लोबेटल कैम, एंड इसमें आपको दो कैटेगरी दिखने को मिलेगी, फर्स्ट इज योर कॉन्वेक्स सरफेस एंड सेकंड वन इज कनकेव सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज स्फेरिकल कैम। स्फेरिकल कैम में क्या होगा, आपको एक स्फीयर मिलेगा, दिस इज स्फेरिकल कैम। इसमें आपने क्या किया, एक ग्रूव को बना दिया है यहाँ पे, पूरा एक स्लॉट आपने बना दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है आपने इसको बना दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा रोलर का कॉन्टेक्ट आ रहा है, रोलर कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे जो रोलर है वो कहाँ पे जाएगा, जो स्फेरिकल कैम के ऊपर जो आपने स्लॉट बनाया है उसके अंदर रहेगा वो, ओके। अब क्या करना है आपको, जो इनपुट है आप कहाँ पे दे रहे हो, सो इनपुट इज ऑन दिस स्फेरिकल कैम। जैसे आपने स्फेरिकल कैम पे इनपुट दिया, उसके बाद जो ये ग्रूव्स है उसके हिसाब से जो आपका जो फॉलोवर होगा दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, वो ऑसिलेट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। एंड स्प्रिंग आपने यूज कर रही है बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आपने इसके लिए स्प्रिंग यूज कर रखी है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ स्फेरिकल कैम्स। इन दिस द इनपुट इज योर रोटरी मोशन ऑन द स्फेरिकल एंड योर फॉलोअर इज ऑसिलेटरी मोशन। सो फॉलोअर ऑसिलेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम, सो दिस इज स्फेरिकल कैम। नेक्स्ट चलते हैं अपन मोशन के हिसाब से। तो मोशन के हिसाब से मैंने पहले ही बता रखा है, दिस इज वन टाइप ऑफ कैटेगरी दैट इज राइज रिटर्न राइज। सो फॉलोवर राइज हो रहा है एंड रिटर्न हो गया, कहीं पे रुकने का नाम नहीं है, राइज रिटर्न राइज रिटर्न, तो ये सर्कल ये साइकिल चलती ही रहेगी, राइज रिटर्न राइज रिटर्न राइज रिटर्न लाइक दैट, दिस इज वन टाइप ऑफ फॉलोवर मोशन। सेकंड टाइप ऑफ फॉलोवर मोशन देखो, आप अगर इसको भी देखते हो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ड्वेल, ड्वेल मतलब जब आपका ये दिस इज नाउ ड्वेल, सो ड्वेल मतलब जब आपका जो फॉलोवर है वो स्टेशनरी है, कहीं पे कोई मोशन नहीं है, फ्रॉम दैट देन दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज ड्वेल। उसके बाद आपको मिल रहा है राइज, उसके बाद मिल रहा है रिटर्न, उसके बाद अगेन ड्वेल राइज रिटर्न, तो ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, ड्वेल राइज रिटर्न, ड्वेल राइज रिटर्न। सो ये जो साइकिल है वन टू थ्री कंटिन्यूअस ये चलती रहेगी, ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन, ओके। सो ड्वेल राइज एंड रिटर्न। थर्ड कैटेगरी में चलता है, सो थर्ड कैटेगरी सिंपली यहाँ पे आपको दो ड्वेल मिलेंगे, वन इज एट स्टार्ट एंड सेकेंड वन इज आफ्टर राइज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे देखो मैं इसको चालू करता हूँ, ड्वेल फिर राइज, ये देखो फिर ड्वेल एंड रिटर्न, ठीक है, सो यहाँ पे भी ये साइकिल चलती रहेगी फॉर कंटिन्यूस, ओके, ये 360 डिग्री पे वापस रिपीट होती रहेगी, ओके। एंड लास्ट जो मैंने आपको बताया था ड्वेल राइज ड्वेल फॉल, फॉल मतलब वापस उसको स्टार्ट पोजिशन पे तो आना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई रिटर्न नाम की चीज ही नहीं है, रिटर्न नाम की चीज नहीं है मतलब क्या है, सीधा फॉल, ठीक है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, सो दिस इज ड्वेल राइज ड्वेल फॉल, ओके, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉलोअर, आप इसको कैसे कॉन्टेक्ट में रख रहे हो, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग दैट इज प्री लोडेड स्प्रिंग कैम। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव ड्राइव, तो आपने क्या किया, सिंपल सा एक स्लॉट बनाया यहाँ पे, उस स्लॉट में इस रोलर को फिट कर दिया, सो कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं होगा।
उसके बाद ग्रेविटी है, सो विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी, बट इसको आप हाई स्पीड पे मूव नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सो तीन टाइप से अपन कंस्ट्रेंट इसको बना सकते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर, अब हम बात करेंगे फॉलोअर क्लासिफिकेशन की। सो फॉलोअर क्लासिफिकेशन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट, तो नाइफ फेस फॉलोअर हो गया, रोलर फॉलोअर हो गया, फ्लैट फेस फॉलोअर हो गया, उसके बाद स्फेरिकल फेस फॉलोअर हो गया। तो ये तो चार टाइप के फॉलोअर है, जैसा आपका जो सर्फेस है उसके हिसाब से अपन बात करेंगे कि भाई सर्फेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। सेकेंड है अपना अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, आपका जो मोशन है फॉलोअर का वो कैसा है, सो रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग है या ऑसिलेटिंग और रोटरी है, तो उसके हिसाब से अपन इसको डिवाइड करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा जो पाथ ऑफ मोशन है फॉलोअर का वो कैसा है, रेडियल टाइप है या ऑफसेट टाइप है, सो वन बाय वन इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जाते हैं नाइफ एज फॉलोअर की तरफ। सो इन नाइफ एज यू कैन सी दिस इज नाइफ एज फॉलोअर, सिंपल सा नाइफ एज है, इसमें जो कॉन्टेक्ट होगा दैट विल बी पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट, पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो क्या बताया, सरफेस इन कॉन्टेक्ट, तो सरफेस जैसा कॉन्टेक्ट में आएगा लाइक दैट अपन इसको डिसाइड करेंगे। सो दिस इज पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट, और अगर कैटेगरी वाइज देखना आपको, सो दिस इज वन टाइप ऑफ हायर पेयर, ठीक है। सो यहाँ पे हायर पेयर होगा जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं, दिस इज हायर पेयर, जो कॉन्टेक्ट है वहाँ पे हायर पेयर है। सेकंड इज योर रोलर फॉलोअर, रोलर फॉलोअर इज द गुड वन। देखो इसमें क्या होता है, नाइफ एज फॉलोअर का डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे क्या शार्प एज है, नाइफ से आपको समझ में आ रहा है दैट इज अ शार्प एज, सो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो स्लाइडिंग हो रहा है वहां पे, ओके यहाँ पे क्या कैसा फ्रिक्शन आएगा, द फ्रिक्शन विल बी स्लाइडिंग बिकॉज द मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इज देयर, सो द फ्रिक्शन विल बी स्लाइडिंग, एंड उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वहां पे जो वियर रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वियर रेट बढ़ जाएगा इसका जो लाइफ है वो कम हो जाएगा, बिकॉज वहां पे वियर एंड टेयर काफी हो जाएगा, इसकी लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज इसका ऐसा है कि जो साइड थ्रस्ट होती है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें साइड थ्रस्ट में क्या होता है, जो कैम है अगर वहाँ पे अगर आपने जो साइड थ्रस्ट में क्या होगा, देखो सिंपल सी आप एक चीज समझो, यहाँ पे एक फोर्स अगर आ रहा है, ठीक है, फोर्स अगर आ रहा है तो यहाँ से जैसे फोर्स आएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो गाइड्स है इसके अंदर है ये फिट, ओके, तो ये इसको क्या करेगा, इसको ये टिल्ट, ये इंक्लाइन करने की कोशिश करेगा। जैसे इसको इंक्लाइन करने का कोशिश करेगा इसको, तो इसका जो फ्रीली जो अप एंड डाउन जो मूवमेंट था वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो वहां पे क्या हो जाएगा, जैम होने लगेगा, किसमें, जो गाइड है उसमें। तो ये इसको क्या बोलते हैं, साइड थ्रस्ट। सो इसमें साइड थ्रस्ट है, ठीक है, इसमें साइड थ्रस्ट भी है प्लस जो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट है वहां पे वियर रेट भी है, तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये आपको समझ में आ रहा है। अब उसको जो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट है जहाँ पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमने एक रोलर लगा दिया, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमने क्या किया, रोलर लगा दिया, तो इस रोलर से क्या हो जाएगा, वहां पे जो साइड साइड थ्रस्ट नहीं, जो आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसको अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोलिंग फ्रिक्शन में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, वहां पे वियर रेट ज्यादा थी, बट यहाँ पे क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, ओके, सो रोलिंग के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे वियर रेट बहुत ही कम हो जाएगा। सो आपने जो प्रॉब्लम था नाइफ एज का वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी भी है, साइड थ्रस्ट। सो साइड थ्रस्ट का प्रॉब्लम अभी है, जैम होने की चांसेस अभी भी है, यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। तो उससे भी कम करने के लिए हमने क्या किया, हम गए यहाँ पे फ्लैट फेस में। सो फ्लैट फेस में एक अच्छा काम ये हो गया कि हमको जो साइड थ्रस्ट था वो यहाँ पे कम हो गया एकदम, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो कैम है वो हमेशा इस सरफेस के नीचे रहेगी, ठीक है, जो साइड थ्रस्ट था वो इसमें कम हो गया, और जो स्फेरिकल है इसमें और भी अच्छे से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऑटोमोबाइल्स में अगर आप बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स जो होता है उसमें हम ये स्फेरिकल फेस फॉलोअर जो है उसको हम यूज करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स में जो सबसे पहले अपन ने देखा था वहां पे जो इंजन था एसी इंजन उसमें जो यूज था दैट इज स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, ठीक है। सो मोशन ऑफ द फॉलोअर में आपको ध्यान रखना है कि या फिर तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो सकता है जैसा आप देख सकते हो, या फिर ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। सो दो टाइप के फॉलोअर मोशन आपको मिल सकते हैं, वन इज रेसिप्रोकेटिंग एंड सेकेंड इज योर ऑसिलेटरी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो मोशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन है जो फॉलोअर का जो लाइन ऑफ मोशन है वो कैसा है। अगर लाइन ऑफ मोशन कैम का जो रोटेशन है उसी से पास हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, जो लाइन ऑफ मोशन है वो अगर कैम का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है अगर वहीं से पास हो रहा है देन दैट विल बी योर रेडियल, सो दिस इज योर रेडियल फॉलोअर,
ओके एंड दिस इज सेकेंड वन, यहाँ पे दिस इज ऑफसेट। ऑफसेट फॉलोअर में क्या हो जाएगा, जो लाइन ऑफ मोशन है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ओके इसको आप एक्स मान लो, पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास होगा किसके थ्रू, जो आपका जो कैम का जो रोटेशन है, दिस इज योर कैम रोटेशन, उससे कोई पर्टिकुलर कुछ एक्स डिस्टेंस पे रहेगा जो लाइन ऑफ मोशन है फॉलोअर का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट फॉलोअर। ओके सो वन इज योर, फर्स्ट इज योर रेडियल फॉलोअर एंड सेकंड वन इज योर ऑफसेट फॉलोअर। ओके सो ये कैटेगरी हो गई, सो अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर, द रेडियल फॉलोअर एंड द ऑफसेट फॉलोअर। ओके अब मैं सिंपल सी बात करूंगा टर्मिनोलॉजी ऑफ रेडियल कैम। सो यहाँ पे देखो आपको मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, रेडियल कैम। सो रेडियल कैम के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कैम प्रोफाइल। देखो दिस इज द कैम प्रोफाइल, ठीक है, जो डायरेक्टली आपका जो रोलर है यहाँ पे, रोलर फॉलोअर उसके कॉन्टेक्ट में है। सो दिस इज रोलर फॉलोअर, इसके कॉन्टेक्ट में है। सो दिस इज योर कैम प्रोफाइल। अगर मैं इसको अगर ट्रेस करता हूँ, कैम प्रोफाइल को अगर मैं बनाता हूँ, तो कैम प्रोफाइल कैसी रहेगी आपकी, सिंपल सा इसका कॉपी कर लिया मैंने। सो दिस इज योर कैम प्रोफाइल, समझ में आ गया आपको कैम प्रोफाइल। तो फाइनल जो कैम प्रोफाइल होगी, जो जो आपका जो फॉलोअर होगा उसके कॉन्टेक्ट में जो आएगी, दैट विल बी योर कैम प्रोफाइल। एंड सेकेंड है इसमें बेस सर्कल। सो बेस सर्कल मतलब क्या, जो भी कैम प्रोफाइल होती है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, और उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ रोटेशन पे होना चाहिए, ठीक है। जो आपका जो बेस सर्कल है, दिस इज योर बेस सर्कल। बेस सर्कल क्या होता है कि जो कैम प्रोफाइल है उसके ऊपर एक, उसके टेंजेंट में सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल, बट आपको ध्यान रखना है कि उसका जो सेंटर है वो कैम प्रोफाइल जो कैम है उसके सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर होना चाहिए। ओके सो सपोज दिस इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन, उसके ऊपर ही होना चाहिए बेस सर्कल का सेंटर, बेस सर्कल का सेंटर वहां पे होना चाहिए, दैट इज बेस सर्कल। ओके नेक्स्ट ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या होगा, जो ट्रेस पॉइंट है वो होगा किसके ऊपर, फॉलोअर के ऊपर। सो सपोज दिस इज अ फॉलोअर, और उसका जो फॉलोअर का जो सेंटर पॉइंट होगा, सपोज दिस इज अ रोलर फॉलोअर, तो रोलर फॉलोअर के केस में हम बोलेंगे कि जो रोलर का जो सेंटर होगा, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, सो दिस सेंटर ऑफ द रोलर दैट विल बी योर ट्रेस पॉइंट, ठीक है। एंड उससे जो ट्रेस करेंगे आप, ओके ट्रेस पॉइंट को क्या करना है आपको, जो फॉलोअर है उसको कंप्लीटली पूरे कैम प्रोफाइल के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट में एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है, एक पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपको जो ट्रेस पॉइंट से जो आपको ट्रेस होगा ये, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच कर्व, ठीक है, ये ट्रेस पॉइंट्स ने बनाया है ये मिलके। ओके ट्रेस पॉइंट है वो पॉइंट वाइज पॉइंट आगे मूव करता गया, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया कैम को फिक्स रखा है, फॉलोवर को हम ऐसे टर्न करते हुए लेके गए। ओके पूरी पेरिफेरी के ऊपर अपने इसको रोटेट कर दिया है, सो आपको मिल गया आपका पिच कर्व। ओके अब जो पिच कर्व के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, दैट विल बी योर प्राइम सर्कल। सेम जैसा कैम प्रोफाइल है उसके लिए होता है बेस सर्कल, वैसे ही पिच कर्व उसके लिए होता है आपका प्राइम सर्कल। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आई आपको। ओके अब आपको एक चीज और मैं पूछ सकता हूँ कि जो ट्रेस पॉइंट है, सो रोलर है उसके लिए तो आपने सेंटर बना दिया, अब नाइफ एज होता तो क्या होता, सो आपको ध्यान रखना है नाइफ एज के लिए क्या करेंगे आप, तो वो आपको आना चाहिए। सो नाइफ एज के लिए सिंपल क्या बोलेंगे, ट्रेस पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो नाइफ एज जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्राइम सर्कल है वो अपन रोलर फॉलोवर के लिए लेते हैं, बट अगर मैं बात करूँ सिंपल सा नाइफ एज के लिए, तो वहाँ पे सिंपल सा मैं बेस सर्कल लूंगा, ठीक है। सो ये भी आपको समझ में आ गया प्राइम सर्कल। उसके बाद आता है प्रेशर एंगल। ओके तो प्रेशर एंगल क्या होता है, सिंपल सा जो आपका जो पिच कर्व है यहाँ पे, सिंपल सा जो पिच कर्व है उसके नॉर्मल में, पिच कर्व के नॉर्मल में, ओके सो पिच कर्व का नॉर्मल, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, सो लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। सो लाइन ऑफ मोशन एंड पिच कर्व का जो नॉर्मल होगा उसके बीच में जो भी एंगल होगा, दैट विल बी योर प्रेशर एंगल। एंड थ्रू आउट पेरिफेरी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, एंड जब वो प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका जो ट्रेस पॉइंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पिच पॉइंट में। वापस से समझो, प्रेशर एंगल बोले तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व, ठीक है, नॉर्मल टू द पिच कर्व, उसके बीच में जो भी एंगल होगा दैट विल बी योर प्रेशर एंगल। ओके एंड वो जो प्रेशर एंगल होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा वहां पे प्रेशर एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगा, और उस प्रेशर एंगल जहां पे सबसे मैक्सिमम है वहां पे जो पॉइंट होगा पिच पॉइंट,
वहां पे जो ट्रेस पॉइंट होगा वो हो जाएगा पिच पॉइंट आपका, उसको मैं बोलूंगा पिच पॉइंट, जहां पे भी मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा दैट पॉइंट, दैट ट्रेस पॉइंट विल बी योर पिच पॉइंट। तो आपको ये भी समझ में आ गया प्रेशर एंगल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है। उसके बाद लास्ट में एक बचता है पिच सर्कल। तो पिच सर्कल मतलब क्या, आपने क्या किया सेंटर ऑफ रोटेशन से आपने पिच पॉइंट जो है वहां तक का रेडियस मान के पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, एंड दैट सर्कल विल बी योर पिच सर्कल। ठीक है, सो दैट सर्कल विल बी योर पिच सर्कल। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, दिस इज टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, और सिंपल सा बोल सकते हैं रेडियल कैम। नेक्स्ट चलते हैं इसमें फॉलोवर मूवमेंट डायरेक्शन। अब आपको याद रखना है कि जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होता है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी फॉलोवर राइज होगा तो उस समय, जब भी फॉलोवर राइज होगा, राइज मतलब लिफ्ट है, ओके, तो उसको, उस पर्टिकुलर जो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम उसको मैं क्या बोलूंगा एंगल ऑफ एसेंट, और उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ फाई ए। ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ फाई ए से। दूसरा चीज यहाँ पे, जब भी वो रिटर्न होगा, रिटर्न मतलब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा जब भी, उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिसेंट, और उसको मैं लिखता हूँ फाई डी से। एंड जब भी जो फॉलोवर है वो स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी मतलब नो मूवमेंट ऑन द फॉलोवर, देन इन दैट केस दैट विल बी योर एंगल विल बी योर ड्वेल। ठीक है, और एक यहाँ पे आप ध्यान रखो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एनिमेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट आप इसको अच्छे से देखो, ड्वेल ऊपर वाला सही है, देखो ये राइज, ओके, सो नाउ दिस इज राइज रिटर्न ड्वेल, राइज रिटर्न ड्वेल, सो लाइक दैट, ऐसा आप देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे जो दूसरा टाइप है जिसमें है ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल, सो वहां पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप एंगल को आपसे आपको समझना है कि जो कैम प्रोफाइल है उसके ऊपर जो एंगल्स होंगे उससे जो फॉलोअर के ऊपर जो मोशन में इफेक्ट आ रहा है वो पर्टिकुलर एंगल कितना होगा, कि जब वो राइज कर रहा है मतलब लिफ्ट कर रहा है तो उस केस में हो जाएगा राइज, दैट इज एंगल ऑफ एसेंट, उसको हम फाई ए से लिखते हैं, और जब भी रिटर्न होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिसेंट, उसको हम फाई डी से लिखेंगे, और जब भी जो फॉलोअर है वो स्टेशनरी रहेगा दैट विल बी, इन दैट केस दैट विल बी योर ड्वेल, एंड उसको बोलेंगे एंगल ऑफ ड्वेल, उसको अपन डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे, ये तो चीज आपको समझ में आ गई, एक होता है एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन मतलब क्या, कि भाई जहां से उसने लिफ्ट करना चालू किया, मतलब जहां से उसने स्टार्ट कर दिया लिफ्ट करना, और जब तक वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे ना आ जाए, मतलब सिंपल सा आप समझो कि जब उसने स्टार्ट किया यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द राइज, बिगनिंग ऑफ द राइज टू द एंड ऑफ द रिटर्न। ठीक है, कि भाई ये गया घूम फिर के वापस अपनी इस पोजिशन पे आ गया, सो उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी एंगल रहा होगा थीटा, या जो भी एंगल सिंपल सा फाई भी बोलते हैं अपन, फाई, दैट विल बी ऑफ एंगल ऑफ एक्शन। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि उसमें एंगल ऑफ एक्शन में खाली रिटर्न और राइज ही आए, उसमें रिटर्न, सॉरी, उसमें राइज रिटर्न और ड्वेल, या फिर राइज और रिटर्न कुछ भी हो सकता है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां से राइज चालू हो रहा है, राइज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ राइज टिल एंड ऑफ रिटर्न। ठीक है, स्टार्ट ऑफ राइज टिल एंड ऑफ द रिटर्न, यहां से राइज किया उसने, कुछ भी किया उसने, ड्वेल हुआ नहीं हुआ कुछ भी, वापस अपने एंड पे आ गया यहाँ पे, सो दैट विल बी योर एंगल ऑफ एक्शन। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद होता है एक अंडरकटिंग। तो अंडरकटिंग डिपेंड करता है आपका कि आपका जो, देखो मैं आपको पूरा डायग्राम पहले बता देता हूँ यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगर आपने जो रोलर का जो फॉलोवर का जो डायमीटर है इसका वो, एंड जो नोज, ओके, दिस इज नोज सर्कल, इसका जो डायमीटर है उसमें आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे अगर ये रोलर का जो डायमीटर है वो अगर जो नोज डायमीटर से ज्यादा हो गया, ठीक है, ये दिस विल बी योर नोज डायमीटर, ठीक है, उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो प्रोफाइल है वो ऐसा हो जाएगा, सो कैम प्रोफाइल अगर ऐसा हो जाएगा सो इस केस में क्या हो जाएगा, वहां पे अंडर कट के चांसेस है, ओके, सो दिस इज योर नोज, दिस वन, ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि जो पिच कर्व का जो है नोज, पिच कर्व का जो नोज है वो रोलर फॉलोवर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रोलर फॉलोवर के डायमीटर से बड़ा होना चाहिए, ओके, अगर वो रोलर फॉलोवर के डायमीटर से छोटा हो गया सो वहां पे अंडर कट हो जाएगा, ओके, ये चीज समझ में आ रही है, सो दिस इज रोलर फॉलोवर वन, दिस इज रोलर फॉलोवर टू, एंड दिस इज नोज रेडियस ऑफ पिच, एंड दिस इज नोज रेडियस ऑफ दिस सेकंड वन, पिच, सो फर्स्ट सेकंड दोनों में क्या डिफरेंस है, बस आपको इतना ध्यान रखना है
पिच कर्व इज सेम फॉर बोथ, बट जो रोलर फॉलोवर उसका जो डायमीटर वो चेंज कर रखा है, एक जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा एंड दूसरा जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, दिस इज अंडरकट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज कैम कर्व्स लूज ओवर इटसेल्फ, ठीक है, दैट विल बी योर अंडरकटिंग। सो इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ कैम प्रोफाइल एंड अंडरकट एंड पॉइंटेड कैम, पॉइंटेड कैम हो जाएगा वहां पे, ठीक है, जो अपन यूज नहीं कर पाएंगे। हाई स्पीड कैम, हाई स्पीड में क्या होता है, रियल फॉलोवर ऑलवेज हैव मास, मास होता है, उसके अलावा उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, जब भी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको इनर्शिया मिल जाएगा। तो जैसे ही इनर्शिया होगा उसके उसके ऊपर, जैसे ही कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा वो पर्टिकुलर फोर्स किसके ऊपर एक्ट करेगा, जो भी कैम की जो सरफेस होगी, जो बियरिंग होंगे उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको समझना है कि एन एब्रप्ट चेंज इन एक्सेलरेशन एक्सर्ट एब्रप्ट चेंजेस ऑन द कैम सर्फेसेस। सो उससे क्या हो जाएगा, तो सरफेस वियर हो जाएगा, उससे नो ही जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, तो उससे आपका जो कैम सिस्टम है वो जल्दी फेल हो जाएगा। सो आपको क्या ध्यान रखना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव कंसिडरेशन टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्व व्हाइल चूजिंग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इट शुड नॉट हैव एनी स्टेप चेंजेस, ठीक है। अगर आपने स्टेप चेंजेस कर दिया कहीं पे भी, एक्सेलरेट हो गया तो एक्सेलरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास है उसमें, सो इनर्शिया एक्ट करेगा, इनर्शिया एक्ट करेगा किसके ऊपर एक्ट करेगा, अल्टीमेटली कैम सरफेस एंड जो बेयरिंग है जो कैम को सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेगा, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो बस सरफेस फियर, अर्ली फेलियर ऑफ द कैम सिस्टम्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन लो स्पीड एप्लीकेशन कैम विथ डिसकंटिन्यूस एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स विल नॉट शो एनी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लो स्पीड में तो वो चलेगा, बट अगर आपने हाई स्पीड कर दिया तो वहां पे आपको शो करेगा कि नहीं, एक्सेलरेशन के साथ बदमाशी की है तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि हाई स्पीड एप्लीकेशन में आपको बहुत ही ध्यान रखना है एक्सेलरेशन को। तो हम फॉलोअर मोशन में देखेंगे कि एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ठीक है। तो लो स्पीड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपने हाई स्पीड पे आपने चेंज किया है कुछ भी एक्सेलरेशन, ओके, तो वहां पे आपको वो कुछ भी प्रॉब्लम दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं फॉलोअर मोशन, तो अपन को क्या देखना है सबके ऊपर, अभी अपन ने जैसे बात की हाई स्पीड कैम्स की, ठीक है, तो वहां पे क्या एक्सेलरेशन की बात की, तो आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सो देखो रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ एक्सेलरेशन जर्क, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अपन चारों मोशन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ भी देखते हैं। तो देखो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको दिख रहा है दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, तो जर्क, तो जर्क कहां पे आ रहा है, एट द स्टार्ट बिगनिंग ऑफ दी दिस राइज, एंड उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजिशन पे भी जर्क आ रहा है, जहां पे भी एक्सेलरेशन में एब्रप्ट चेंजेज आ रहे हैं वहां पे जर्क आ रहा है, ठीक है, एब्रप्ट चेंजेज आएंगे वहां पे जर्क आएगा, तो वहां पे आपको जर्क दिखने को मिलेगा। सो एन एब्रप्ट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एट द बिगनिंग ऑफ द फॉलोअर मोशन, तो दिख रहा है आपको, सो वहां पे स्टार्ट एंड एंड ऑफ द राइज, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है स्टार्ट एंड एंड ऑफ द राइज, वहां पे आपको एक दिखने को मिलेगा, एंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रिटर्न वहां पे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो एब्रप्ट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब जर्क, तो जर्क कहाँ पे है, तो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द राइज एंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रिटर्न, तो ये आपको चीज समझ में आ गई। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा है द एब्रप्ट चेंज रिजल्ट इन द इनफाइनाइट जर्क वाइब्रेशंस नॉइज, जो आपको दिख ही रहा है, ओके। सेकेंड है अपना कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। अब इसमें देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जर्क्स एब्रप्ट चेंजेस, देखो यहाँ पे एब्रप्ट चेंज, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, सो नंबर ऑफ जर्क्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या है, एन एब्रप्ट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोअर मोशन, सो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, तो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द राइज, मिड वे ऑफ द राइज एंड रिटर्न यहाँ पे भी है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रिटर्न, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सो नंबर ऑफ जर्क्स इन दिस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड क्या होगा, इनफाइनाइट जर्क्स वाइब्रेशंस नॉइज। उसके बाद अगर मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे तो एक्सेलरेशन में भी इन्फिनिटी आ गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन में इन्फिनिटी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्क था, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन में ही इन्फाइनाइट आ गया, तो एक्सेलरेशन में ही प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, तो सो दिस इज डेंजरस। एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ बोथ राइज एज वेल एज द रिटर्न, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे, सो हम क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज रिजल्ट्स इन इनफाइनाइट इनर्शिया फोर्स एंड नॉट सुइटेबल फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू,
आप अगर उसको इनफाइनाइट इनर्शिया फोर्स दे दोगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट, सो मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, सो सोचो इनर्शिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज नॉट सुइटेबल फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी समझ लो ये क्या है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे. सो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे हम एक छोटा सा कर्वेचर दे देते हैं. सो सिंपल सा जो वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटली लेके नहीं जा रहे, हम इसको धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो फाइनाइट हो जाएगा. ओके, जैसे एक्सेलरेशन आपका फाइनाइट हो जाएगा तो समथिंग, सो द एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड टू फाइनाइट वैल्यू. तो बस फाइनाइट वैल्यू में रिड्यूस हुआ तो इनर्शिया आपका एक लिमिट में आ गया. सो इनर्शिया विल बी योर फाइनाइट. ओके, सो आपने क्या किया, सिंपल सा एक राउंड शार्प कॉर्नर दे दिया यहाँ पे, एंड जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है स्टार्ट एंड एंड राइज के ऊपर एंड रिटर्न के ऊपर. ठीक है, तो ये आपने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है. ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो एक फाइनाइट वैल्यू में आ गया. अब मैं बात करूंगा अगर साइक्लोडल की, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो देयर इज नो एब्रप्ट चेंजेस इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी स्टेज ऑफ द मोशन, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, वेलोसिटी में भी नहीं है, एक्सेलरेशन में नहीं है. सो द मोस्ट आइडियल प्रोग्राम फॉर हाई स्पीड फॉलोवर मोशन. तो जब भी अगर मैं बात करूँ हाई स्पीड फॉलोवर मोशन, तो आप इस जो यूज कर सकते हो साइक्लोडल मोशन को. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से. सो वेरी गुड. सो चार फॉलोवर मोशन अपन ने देखे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड लास्ट इज योर साइक्लोडल. तो चारों का जो ग्राफ है वो अच्छे से समझ लिया अपन ने. ओके, अब अपन जाते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोवर मोशन. जल्दी से इसको फिनिश करेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी कर चुके हैं अपन ये. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा एक बॉक्स बना देंगे, phi a h, h इज सिंपल सा हाइट एंड phi a इज व्हाट, एंगल ऑफ असेंट. हम राइज के लिए कर रहे हैं, रिटर्न के लिए भी आप सिंपल सा इसका सेम यही प्रोसीजर से आप रिटर्न के लिए भी कर सकते हो. अब इसको जल्दी से अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो सिंपली जब भी मैं सिंपल हार्मोनिक SHM की बात करूंगा, कितने पार्ट करते हैं अपन, सिक्स पार्ट करते हैं. सिक्स पार्ट विल बी इजी. तो क्या करते हैं, सिक्स पार्ट अपन ने यहाँ पे बना दिए, सेम सिक्स पार्ट अपन यहाँ पे भी बना देंगे और यहाँ पे सबको मिला लेंगे. देखो ये सेमी सर्कल अपन ने बना रखा है, जिसका जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू एच बाई टू. ठीक है, जो भी हाइट होगी उसका हाफ ले लेने का, उसके बाद यहाँ पे सिक्स पार्ट कर देने का. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हॉरिजॉन्टली इसको सबको लेके जाएंगे, हॉरिजॉन्टली सबको लेके जाएंगे, तो उससे अपन को एक सिंपल सा ग्राफ मिल जाएगा. अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सब जितने भी पॉइंट्स है उसको हम ट्रेस करेंगे. सपोज जीरो एंड जीरो यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, वन एंड वन, टू एंड टू, थ्री एंड थ्री, फोर एंड फोर, फाइव एंड फाइव एंड सिक्स एंड सिक्स. ओके, जैसे इस पे मार्क करते हैं हमको एक ग्राफ मिल. सो दिस इज योर फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट का. सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट. सो जीरो टू वन, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश. तो आपको एक पर्टिकुलर एक ग्राफ मिल गया है. ठीक है, सो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उसका फॉर्मूला ये है एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है. सो कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे फॉर्मूला कैलकुलेशन करना है, ये आप नोट कर सकते हो. सेकंड अपन जाते हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन. इसमें सिंपल सा आपको इतना समझना है कि देयर इज एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉलोअर मोशन, वेयर एज इट इज डी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लेटर हाफ. ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले. सो यहाँ पे क्या किया अपन ने, सिंपल सा इसमें भी सिक्स पार्ट किया. सिक्स पार्ट करने के बाद एक वर्टिकल लाइन बनाई मैंने, उसका भी सिक्स पार्ट किया. उसके बाद मैं एक सिंपल सा एक डायगोनल बनाऊंगा. अभी मेरे को राइज के लिए करना है, सो मैं राइज की फॉर्म में एक डायगोनल बनाने वाला हूँ. देखो यहाँ पे. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम सब जितने भी ये है लाइन्स, इनसे सबको इस डायगोनल को इससे मिलाएंगे, इस डायगोनल के कॉर्नर से इसको मिलाएंगे. सो ऐसे मिलाने के बाद मैं सबको यहाँ पे बना दूंगा. अब आप समझो, इसमें देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट हाफ. देखो फर्स्ट हाफ ये है आपका दिस बॉक्स. ओके, दिस बॉक्स इज योर फर्स्ट हाफ एंड दिस बॉक्स सेकेंड इज योर सेकेंड. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले स्लोप ये था, फिर ये स्लोप कैसे हुआ, ये हो गया. ये स्लोप कैसे हुआ, ये हुआ. फिर ये स्लोप कैसे हुआ, ये ऐसे स्लोप जा रहा है, मतलब इंक्रीज एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, सेकेंड जब सेकेंड हाफ में जैसे आए तो ये स्लोप है वो डाउनवर्ड साइड जा रहा है, लाइक दिस. सो यहाँ पे पूरा ये ऐसा स्लोप था, होगा वो स्लोप यहाँ पे ऐसे आ गया. ओके, सो ये आपको चीज समझ में आई. तो फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. सेकंड हाफ में क्या कर रहा है, वो डीएक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, सो ये दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला आपको याद रखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा दिस इज योर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन. ठीक है, आपको कैसे बनाना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ये आपको समझ में आना चाहिए. इसके अलावा दो फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसको आप याद रखो, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड
दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं होगा बिकॉज मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर. थर्ड नंबर है अपना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सिंपल, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है, फिर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको सिक्स सिक्स पॉइंट में डिवाइड करके आपको एक सिंपल सा एक डायगोनल बना देने का, दैट्स इट. ठीक है, सिंपल सा एक डायगोनल बना दिया आपने, दिस इज योर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इसमें आपका जो एक्सिलरेशन होगा दैट विल बी जीरो बिकॉज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज जीरो, सो दैट्स व्हाई द एक्सिलरेशन इज जीरो. एंड जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है वो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज एच ओमेगा बाय फाइव. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितना है. ठीक है, एंड नेक्स्ट दैट इज साइक्लोडल, सो द बेस्ट सुटेबल फॉर द हाई स्पीड कैम्स, ओके, एंड हाई स्पीड फॉलोअर मोशन, बिकॉज यहाँ पे जो जर्क है वो कुछ होता नहीं एंड जो लिमिट में होता है एक्सेलरेशन पे, सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल मोशन फॉर द फॉलोअर. एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि व्हाट डू मीन बाय साइक्लोडल मोशन. तो साइक्लोडल मोशन में सिंपल सा क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अ साइक्लोडल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, इसके ऊपर जो सर्कल है वो रोल कर रहा है, रोल करते हुए कहाँ पे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है. सो ऐसे मूव कर रहा है मतलब विदाउट एनी स्लिप, मतलब प्योर रोलिंग. सो प्योर रोलिंग के साथ वो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि जो ये सर्कल है इसका रेडियस कितना है. सो इसका रेडियस किसके बराबर होगा, मतलब अगर इसकी मैं पेरीफेरी देखूँ, सो इसकी जो पेरीफेरी होगी उसके हिसाब से अपन लेके आते हैं. देखो सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है, तो 2πr, एंड जो लेंथ है इसका वो कितना है, 2πr, क्योंकि इस सर्कल को अगर मैं ओपन करता हूँ, ओके, इस सर्कल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो डेट विल बी इक्वल टू 2πr. ठीक है, दिस इज h, ये h के बराबर हो जाएगा. सो h इज इक्वल टू 2πr, सो रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू h बाई 2, सिंपल, ये आपको याद रखना है. देखो सेमी सर्कल जब अपन ने किया था किसके केस में, कैमन फॉलोअर का जो फर्स्ट था अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें मैंने जो रेडियस बताया था आपको सेमी सर्कल का, दैट इज h बाई 2, बट हियर एज यू कैन सी दिस इज साइक्लोडल मोशन, सो इसमें अपन क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल शुड बी इक्वल टू h अपॉन 2π. ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंपल सा, यस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस ये है अपना, और एक यही है जिसमें अपन 8 पॉइंट लेके जाएंगे, 8 पॉइंट्स लेके जाएंगे यहाँ पे. फिर क्या करते हैं, सबको मार्क कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क कर दिया हमने, ओके, ये अपने पास डायगोनल है, ठीक है, वेरी गुड. अब क्या करना है अपन को, तो अब क्या करेंगे हम, सो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, बट उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स लेके आते हैं. कॉमन पॉइंट्स कैसा, सो देखो इस वर्टिकल जो, ये जो वर्टिकल है इसके ऊपर कॉमन पॉइंट्स लेके आएंगे, 2.1 and 3 का कॉमन पॉइंट ये हो गया, 4, 0, 8 का कॉमन पॉइंट ये हो गया, 5, 7 का कॉमन पॉइंट ये हो गया, 6 का कॉमन पॉइंट ये हो गया. सो टोटल अपने पास कितने हैं, 5 पॉइंट्स. एक पॉइंट तो अपने पास ऑलरेडी बना हुआ है लाइन, फिर हम क्या करेंगे, इस कॉमन पॉइंट को इसके पैरेलल लेके जाएंगे, इस कॉमन पॉइंट को भी इसके पैरेलल लेके जाएंगे, इस कॉमन पॉइंट को इसके पैरेलल, इस कॉमन पॉइंट को इसके पैरेलल. अगर आप फाइनली इसको देखते हो अच्छे से, सो दिस विल बी योर पैरेलल लाइंस. अब हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, मार्क करेंगे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं, 0 to 0, 1 to 1, ओके, लाइक दैट, 8 to 8. सो इसको मार्क करते हैं पॉइंट वाइज, सो ये अपन को पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, 0-1-2-3, ये हो गया आपका 4-3, यहाँ पे 4-5, सिंपल सा देख लो इसको. सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है, सो ये पॉइंट मार्क कर दिया. नाउ दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द मेकिंग ऑफ द कैम प्रोफाइल. ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, इसमें जो दो फॉर्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमने ऐड कर दिया है. नाउ हाउ टू ड्रॉ कैम प्रोफाइल, उसके लिए सिंपल सा मैं सबसे पहले कैम एंड फॉलोअर प्रॉब्लम्स की तरफ जाऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है, सो कैम एंड फॉलोअर को कैसे ड्रॉ करना है वो अपन देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, तो ये समझ लो नाइफ फेस फॉलोअर, रोलर फॉलोअर एंड फ्लैट फेस फॉलोअर, इनके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करने वाला है. ठीक है, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करने वाला है, नाइफ फेस फॉलोअर, रोलर फॉलोअर एंड फ्लैट फेस फॉलोअर. अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है अपना नाइफ फेस फॉलोअर, रेडियल फॉलोअर, फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस होता है अपना नाइफ फेस फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर. थर्ड केस है अपना रोलर फॉलोअर, रेडियल फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर एंड फ्लैट फेस फॉलोअर एंड रेडियल फॉलोअर. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रेडियल फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर, सो दिस इज अ पोजिशन. ओके,
दिस इज पोजिशन कि भाई जो लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर है वो किससे पास हो रहा है, वो सेंटर से पास हो रहा है एंड दिस इज रेडियल। अगर वो सेंटर के पास से कुछ पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे पास हो रहा है दैट इज ऑफसेट। सो आपको ये समझना है कि पोजिशन क्या है इसका, रेडियल है या ऑफसेट है, ठीक है, वो चीज समझ में आ गई। इसके अलावा जो फॉलोअर है वो अपने देख लिया है ओके कि नाइफ एज है, रोलर है, फ्लैट फेस है। तो सबसे पहले अपन नाइफ एज के ऊपर ये दो न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद रोलर के ऊपर ये दो न्यूमेरिकल करेंगे, फ्लैट फेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो जल्दी से अपन इसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये देख लो अगर आपको देखना है। सो अपने पास टोटल चार फॉलोअर मोशन है। फर्स्ट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकंड इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, थर्ड इज योर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, फोर्थ इज योर साइक्लोइडल। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें फर्स्ट नाइफ फेस फॉलोवर, रेडियल फॉलोवर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बेस सर्कल। सो दिस इज योर बेस सर्कल, ठीक है। बेस सर्कल बनाने के बाद जो भी आपका जो एंगल्स होंगे यहाँ पे, कि सपोज आपका एंगल ऑफ एसेंट आपने बना दिया, फिर आपने एंगल ऑफ 12 बना दिया, फिर आपने एंगल ऑफ डिसेंट बना दिया, फिर आपने बना दिया 12 2, ठीक है। सो एंगल ऑफ एसेंट हो गया यहाँ पे ओके। दूसरा है आपका एंगल ऑफ डिसेंट, दिस इज 12 12। सो जब भी 12 की बात करूंगा तो 12 में क्या होता है, 12 में क्या होता है, जो फॉलोअर का जो मोशन होता है डेट विल बी योर स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, जैसे कि जो भी फॉलोअर मोशन होगा उसके हिसाब से हम उसको पॉइंट में डिवाइड करने के बाद उसको मार्क करेंगे। ये मार्किंग कहाँ से करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के हिसाब से मार्क करेंगे। बट सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, ऑफसेट। ये तो था रेडियल के लिए, सेकेंड है अपने पास ऑफसेट। तो ऑफसेट के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर सर्कल बना रखा है यहाँ पे, दिस इज सर्कल। कौन सा सर्कल है ये, ऑफसेट सर्कल ओके। ये बनाना पड़ेगा मेरे को, और उसको बनाने के बाद देखो यहाँ पे मैंने जो भी मार्किंग किया था उसको मैं सेंटर पॉइंट से लेके जा रहा हूँ बिकॉज दैट इज रेडियल। बट यहाँ पे जो है ऑफसेट, ऑफसेट में मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको इस जो सर्कल है आपका ऑफसेट सर्कल, इसके टेंजेंट में लेके जा रहा हूँ, जितने भी है ये इसको इसके टेंजेंट में लेके जा रहा हूँ। उसके बाद मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। सो दिस इज अ नाइफ फेस फॉलोअर। अगर रोलर फॉलोअर की बात करेंगे तो बेस सर्कल तो बनाना ही आपको, यू हैव टू मेक अ बेस सर्कल दोनों में। अगर दोनों केस की बात करेंगे तो बेस सर्कल तो आपको बनाना ही है। इसके अलावा दिस इज प्राइम सर्कल, प्राइम सर्कल भी बनाना पड़ेगा बिकॉज हम क्या करेंगे, प्राइम सर्कल को बनाते हैं फिर हम बनाएंगे पिच कर्व, पिच कर्व, और पिच कर्व को बनाने के बाद हम वापस बनाएंगे आपका कैम प्रोफाइल, ठीक है। सो सबसे पहले बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच कर्व, कैम प्रोफाइल। बिकॉज हम कैम प्रोफाइल को कैसे बनाएंगे, जो टेंजेंट होगा इस पर्टिकुलर रोलर के ऊपर उस रोलर के टेंजेंट में हम कैम प्रोफाइल बनाने वाले है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑफसेट में देख सकते हो, ऑफसेट में मैंने क्या किया, जो ऑफसेट सर्कल है उसके टेंजेंट में मैं मार्किंग कर रहा हूँ जो भी लाइन है उसकी। नेक्स्ट है अपना लास्ट एंड फाइनल, दैट इज योर फ्लैट फेस फॉलोअर। इसमें हमने क्या किया, सिंपल सा एक ही कंडीशन लिया है रेडियल फॉलोअर। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा बेस सर्कल बनाएंगे। सो दिस इज बेस सर्कल, और बेस सर्कल बनाने के बाद मैंने क्या किया, जो भी पॉइंट्स है उसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद वहां पे अपन को टेंजेंट बनाना है, पर टेंजेंट कैसा, जो फ्लैट फेस का जो एंड है उसको बनाना है ओके, हर पॉइंट पे। और उसके बाद जो लास्ट में जो टेंजेंट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, द फाइनल द टेंजेंट विल बी योर फाइनल कैम प्रोफाइल। ये चीज समझ में आई आपको। सो फर्स्ट यहाँ पे जो नाइफ फेस का जो एंड है वहीं पे कैम प्रोफाइल मिल जाएगा। सेकंड, सेकंड रोलर में जो रोलर के टेंजेंट में होगा दैट विल बी योर कैम प्रोफाइल। एंड थर्ड फ्लैट फेस में क्या होगा, जो फ्लैट फेस के टेंजेंट में होगा दैट विल बी योर कैम प्रोफाइल, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इसको अच्छे से देख लो आप, ठीक है। सो आपको करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ द कैम प्रोफाइल ऑपरेटिंग नाइफ एज फॉलोवर। तो सिंपल सा अपन ने नाइफ एज फॉलोवर को देख लिया है, ठीक है। सो इसका जो लिफ्ट है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया लिफ्ट, लिफ्ट इज 30 mm, 30 mm लिख दिया। द कैम रेजेस द फॉलोवर विद एस एच एम फॉर 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री ऑफ रोटेशन आ गया। एंड वेल है इसका 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। फॉलोवर डिसेंड्स फॉर नेक्स्ट 100, सो 100 डिग्री आ गया, डिसेंट एंगल आ गया आपका, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल दिया, कैम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको कंडीशन दे दी यहाँ पे। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो फॉलोअर है वो रिटर्न हो रहा है ओके। एंड अगेन इसमें 12 पीरियड आ रहा है। तो सिंपल सा आप क्या करो, बाकी जो भी एंगल बचा है उस सबको आप 12 में कंसिडर कर लो। द कैम रोटेट्स एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 120 RPM, ठीक है। तो उसका RPM आपको दे रखा है कैम का, वेरी गुड, 120 RPM दे रखा है। एंड हैज अ लीस्ट रेडियस ऑफ 20 mm, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लीस्ट रेडियस किसका मतलब, सबसे छोटा रेडियस तो किसका होता है, दैट विल बी योर बेस सर्कल। तो बेस सर्कल का जो रेडियस दे रखा है दैट इज योर 20 mm
ओके आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोवर ड्यूरिंग द लिफ्ट एंड द रिटर्न. तो आपको ये कैलकुलेट करना है. सो आपको फॉर्मूला पता है, आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. बट इसके अलावा आपको क्या करना है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ अ कैम ऑपरेटिंग अ नाइफ एज फॉलोअर. तो सबसे पहले दिस इज योर ओमेगा, आपने ये कर दिया. उसके बाद सिंपल सा आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, जो भी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे. तो आपको फॉलोअर मोशन आपको समझ में आ ही गया है, उसके हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना है. तो कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज दिस इज नाइफ एज, तो सबसे पहले एक बेस सर्कल बनाएंगे. दिस इज योर बेस सर्कल. बेस सर्कल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एंगल्स में डिवाइड कर देंगे. जो भी है फाइव ए डेल्टा वन, फाइव डी डेल्टा, तो सब में डिवाइड कर दिया. जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि 150, 60, 100, 50. ठीक है, इन सब में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे पॉइंट्स. पॉइंट्स कैसे, किसके हिसाब से मार्क करेंगे, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, उसके हिसाब से हम मार्क्स कर देंगे यहाँ पे. तो देखो, दिस इज एंगल ऑफ एसेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ डिसेंट. एंगल ऑफ डिसेंट वहां पे अपन ने पॉइंट मार्क कर दिया, 6 पॉइंट यहाँ पे मार्क किए, 6 पॉइंट यहाँ पे मार्क किए. उसके बाद क्या करना है, हमको सेंटर से हम लाइन लेके जाएंगे, लाइक दिस. फ्रॉम सेंटर, सेंटर से हम पॉइंट्स के ऊपर से लाइन लेके जाएंगे और यहाँ पे हम अब मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, कि भाई इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है. ओके, 3 to 3 dash, 4 to 4 dash, 5 to 5 dash, 6 to 6 dash, 6 to 6 dash, 5 to 5 dash, 4 to 4 dash, इन सबको मार्किंग करके यहाँ पे लेके आएंगे. सो देखो, हमने ये मार्किंग कर दिया. उसके बाद हम क्या करने वाले, सब पॉइंट्स को मिला लेंगे. सो पॉइंट्स को मिला लिया हमने. सो नाउ दिस इज अवर फाइनल कैम प्रोफाइल. ठीक है, और आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पुट करना है, उसमें आपको डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट ये हो गया आपका ड्यूरिंग फॉलोअर रिटर्न योर कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, ये आपको मिल गया आंसर. सेकंड है आपका जो क्वेश्चन है, कैम विद रेडियस ऑफ 25 mm टू बी डिजाइन विद नाइफ एज फॉलोअर. ठीक है, आपको कंडीशन दे दिया है कि नाइफ एज फॉलोअर है. कैम विद रेडियस 25, मतलब आपको बेस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको दे दिया है. ठीक है, ओके, सो बेस सर्कल का रेडियस दे रखा आपको, ये याद रखना आपको. टू रेज द फॉरवर्ड फॉलोवर थ्रू 35 mm ड्यूरिंग 60 degree रोटेशन. अगर आपको 60 degree रोटेट करना है किसके हिसाब से, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, आपको यही वैल्यू मिलेगी. आपको यही एक फॉर्मेट आप तैयार कर लो कि 5A डेल्टा 1, 5D डेल्टा 2, ये आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में. फिर फॉलोअर मोशन क्या होगा, तो एसेंट के लिए क्या होगा, डिसेंट के लिए क्या होगा, 12 का एंगल कितना है और सेकेंड 12 का कुछ एंगल कितना है. ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या लिफ्ट बोल सकते हैं वो कितना है, RPM कितना है, कैम विथ मिनिमम रेडियस कितना है. और यहाँ पे जब भी अगर आपको एक्स दे रखा है, एक्स मतलब क्या, ऑफसेट डिस्टेंस. तो यहाँ पे लिख रखा है आपको, द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट 10 mm, ऑफसेट 10 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट. ठीक है, तो वो आपको ऑफसेट दे रखा है 10 mm, तो वो आपको दे रखा है ऑफसेट, उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियल, दिस इज टाइप ऑफ ऑफसेट. ओके, सो यहाँ पे आपको ऑफसेट का ध्यान रखना है. तो सबसे पहले आपने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. ओके, उसके बाद आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना दिया. सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, SHM है फर्स्ट, सेकेंड में है आपको यस, दिस इज ऑल्सो SHM. ओके, सो फर्स्ट इज SHM, सेकेंड भी SHM. तो आपको एक ही सेमी सर्कल बना दो, दो बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को आप कंटिन्यू करके इसके ऊपर लेके जा सकते हो और आप सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना सकते हो. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले आप उनको क्या करना है, यहाँ पे आपको बनाना है बेस सर्कल. अगेन बेस सर्कल आपको बनाना है. बेस सर्कल आपने बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आप बनाएंगे ऑफसेट. ओके, ऑफसेट सर्कल. ऑफसेट सर्कल इसलिए बनाएंगे बिकॉज जो भी लाइंस होगी उसको अपन टेंजेंट में लेके आ रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको ऑफसेट सर्कल जरूर बनाना है. ओके, भूलना नहीं है इसको. ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर इसको अपन एक बना देंगे. देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके हिसाब से अपन बनाएंगे. बट यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दे रखा, आपके हिसाब से आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो अब इसमें और करते हैं अपन. इसमें नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट मार्क करने के बाद एंगल्स. एंगल्स कैसा है, इसमें एंगल ऑफ एसेंट हो गया, एंगल ऑफ ड्वेल हो गया, एंगल ऑफ डिसेंट हो गया, एंगल ऑफ ड्वेल टू. उसको मार्क करने के बाद सिंपल सा जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, जितने पॉइंट्स अपन ने मार्क किए हैं उसको मार्क करेंगे. सपोज यहाँ पे 6 पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 6 पॉइंट है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है. ये सब मार्क करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, सेंटर, सेंटर से लेके नहीं जाना है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी लाइन्स बनाएंगे वो ऑफसेट सर्कल के टेंजेंट में लेके जाएंगे. ठीक है, ये देखो यहाँ क्या किया मैंने, जो भी लाइन्स है उसको पॉइंट से और इसके टेंजेंट में
ये पॉइंट से इसके टेंजेंट में, ये पॉइंट से इसके टेंजेंट में, सो ऐसा हमने बनाया, ठीक है। तो पॉइंट्स टेंजेंट ऐसा करके हम एक कंप्लीट वो बनाने के बाद हम यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से उसको मार्क करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसको मार्क करने के बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। सो देखो इसको, सो ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने बना दिया है कैम प्रोफाइल, ठीक है। अब इस कैम प्रोफाइल को बनाने के बाद अपन बोल सकते हैं कि दिस इज फाइनल कैम प्रोफाइल बिकॉज दिस इज नाइन फेज फॉलोअर, ओके। और इसका जो फॉर्मूला है इसमें आप सिंपल सी वैल्यू पुट करो, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपन ले लेंगे एक रोलर फॉलोअर। तो आपको ध्यान रखना है तो ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ अ कैम ऑपरेटिंग अ रोलर रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, ठीक है। सो रोलर फॉलोअर अपन इसमें लेंगे, जो भी डिटेल्स दे रखी है उसको इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे, हाइट कितना है, आरपीएम कितना है, बेसल का रेडियस कितना है। ओके, जब भी आप रोलर की बात करेंगे यहाँ पे रोलर रेडियस मिलेगा आपके पास, ठीक है। उस पर्टिकुलर रोलर के रेडियस का आपको वैल्यू लिखना है, ओके, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ 12-1, एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ 12-2, ये आपको लिखना है यहाँ पे। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलोअर राइज फर्स्ट 12 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो फॉलोअर रिटर्न है वो कैसा है, एंड सेकेंड 12 वो कैसा है, ओके। तो आपने क्या किया, सब एंगल आपने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे दिस इज ओमेगा, ओमेगा आप सिंपल सा निकाल सकते हो 2π/60, सो वैल्यू पुट कर दो। उसके हिसाब से फिर आपको एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है अगेन, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट इज SHM, तो आपने सिंपल सा SHM बना दिया है, बट सेकेंड इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, तो उसके हिसाब से बनाना है आपको, फर्स्ट हाफ इज एक्सेलरेट, सेकेंड हाफ इज डी एक्सेलरेट, ठीक है। उसके हिसाब से बना के कंप्लीट आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना दिया है। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना है बेस सर्कल, बिकॉज नाउ दिस इज अ रोलर फॉलोवर। तो सबसे पहले बेस सर्कल बनाएंगे, बेस सर्कल के बाद अपन बनाएंगे प्राइम सर्कल, प्राइम सर्कल के बाद बनाएंगे अपन क्या, लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर, और अपन ने बना दिया रोलर फॉलोवर। अब हम क्या करने वाले, अब अपन एंगल्स जो भी है एसेंट, ड्वेल, डिसेंट एंड ड्वेल, वो अपन सब मार्क कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है। वो सब मार्क करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे 6 पॉइंट है और यहाँ पे भी 6 पॉइंट है, इन सबको मार्क करेंगे। सो मार्क करने के बाद क्या करेंगे, तो सेंटर से लाइन को लेके जाएंगे, बिकॉज दिस इज रेडियल, ओके। तो रेडियल है तो सेंटर से मार्क करेंगे, तो सेंटर से मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसका 1, 2-3, 3-4, 4-5, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है उन सबको यहाँ पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अपने पास एक जो प्राइम सर्कल सॉरी पिच कर्व है वो आपके पास पिच कर्व आ जाएगा। नाउ दिस इज योर पिच कर्व, ओके, ये आपको याद रखना है, दिस इज योर पिच कर्व, दिस इज नॉट कैम प्रोफाइल। अब क्या करेंगे, आप हर एक पॉइंट पे आप सर्कल बनाएंगे, नाउ यू विल ड्रॉ द कैम प्रोफाइल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर पिच कर्व एंड दिस इज योर कैम प्रोफाइल, ठीक है। सो दिस इज when you have the roller follower, you have to first make pitch curve, उसके बाद जितने भी points है trace point, उन सब points पे आपको बनाना है circle, and उसके बाद आपको क्या करना है, tangent draw करके आपको cam profile मिल जाएगा, ठीक है। Now next, जो भी calculations है वो आप कर सकते हो easily, जो आपको formula given है उसके हिसाब से आप calculation कर सकते हो। Now fourth case में क्या है अपने पास, now we have the same roller follower, बट अभी यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, नाउ वी आर कंसिडरिंग ऑफसेट डिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑफसेट ऑफ द फॉलोअर एक्सिस, ऑफसेट ऑफ फॉलोअर एक्सिस 12 mm टूवर्ड्स राइट। देखो टूवर्ड्स राइट बोल रखा है यहाँ पे, लिख लिया है टूवर्ड्स राइट, तो आपको राइट साइड में ही ऑफसेट करना है, ठीक है ना। सो ऐसा अपन लिखेंगे यहाँ पे कि भाई x इज इक्वल टू 12, बाकी इसके अलावा h आपको दे रखा है, देखो 28 दे रखा है आपको लिफ्ट एच, एंड आपको दे रखा है आरपीएम दैट इज 200, उसके बाद 25 आपको दे रखा है यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे सर्कल रेडियस, 7.5 दैट इज रोलर डायमीटर दे रखा है, 15 तो उसका हाफ ले लेंगे अपन, उसके अलावा दे रखा है 5a, एंगल ऑफ एसेंट 60 लिख दिया अपन ने, एंगल ऑफ डिसेंट 90 लिख दिया है, ठीक है। 45 दे रखा है, 12-1, 45, उसके अलावा जो भी बचता है कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, यस वी कैन कैलकुलेट, दैट इज 165 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपको दे दिया है follower moves with uniform acceleration deacceleration during ascent and descent, तो बस ठीक है, फिर दोनों में ही follower का जो motion है वो same है, uniform acceleration and deacceleration, that's it. Now हम क्या करेंगे, displacement diagram बनाने वाले हैं, so this is your displacement diagram for the particular question, so ये आप
जल्दी से बना सकते हो तो यू कैन ड्रॉ. आफ्टर देन वी विल गो फॉर सॉरी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद बनाएंगे आपका कैम प्रोफाइल. सो कैम प्रोफाइल में सबसे पहले क्या करेंगे, अपन बेस सर्कल ड्रॉ करेंगे. बेस सर्कल के बाद हम ड्रॉ करेंगे क्या, ओके सो दिस इज योर बेस सर्कल. बेस सर्कल के बाद हम ड्रॉ करने वाले हैं क्या, प्राइम सर्कल. उसके बाद नाउ वी हैव टू ड्रॉ ऑफसेट सर्कल. ओके दिस इज योर ऑफसेट सर्कल. नाउ राइट साइड टुवर्ड्स राइट आपको लिखा हुआ है ना, एक्स इज 12 mm टुवर्ड्स राइट. सो राइट साइड में 12 mm लेके आगे, ठीक है. अब तो आप क्या करेंगे, अपन सिंपल सा एंगल जो है उनको मार्क करेंगे. ओके इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम उसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको मार्क करेंगे. अब हमको क्या करना है, जो भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल लेके आएंगे. ये आपको याद रखना, मिस नहीं करना इसको, टेंजेंट. ओके सो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेंजेंट टू दिस वन, टेंजेंट 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 सब टेंजेंट में लेके आएंगे ऐसे. अब टेंजेंट में बनाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आपके दिख रहा है यहाँ पे इसको मार्क करेंगे. यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रहा है, जो भी डिस्प्लेसमेंट उसको हम मार्क कर देंगे. मार्क करने के बाद जो कर्व बनेगा दैट विल बी योर पिच कर्व. ये याद रखना है, मिस नहीं करना, दिस इज योर पिच कर्व. ओके पिच कर्व आपने बना दिया. अब अपन क्या बनाएंगे, नाउ वी विल ड्रॉ सर्कल्स ऑन ईच पॉइंट. बना दिए, अब नाउ विल फाइनली मेक द कैम प्रोफाइल tangent to all the rollers. That's it. Okay, so this is your final cam profile. Continuous. Okay, so this is completely your cam profile. दिख रहा है आपको. Okay, and जो simple सा calculation है वो आपने यहाँ पे देख लिया है. यहाँ पे भी आपने calculation देख लिया, तो इस calculation को आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो ये भी कंप्लीट. लास्ट अपना क्वेश्चन है, दैट इज फॉर फ्लैट फिश फॉलोअर, ठीक है. सो फ्लैट फिश फॉलोअर है. सो इसमें क्या करने वाले, मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है, एंड दे रखा है, बेस सर्कल का रेडियस दे रखा है. इसके अलावा आपको मोशंस दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं. ये सब आप क्वेश्चन में से पढ़ के आप लिख सकते हो, ठीक है. सो दिस आर द गिवन डेटा, वही मैंने सेम लिखा है. सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. कैसे बनाना ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. उसके बाद हम जाते हैं दिस इज योर बेस सर्कल, ठीक है. दिस इज योर बेस सर्कल, ठीक है. दिस इज योर बेस सर्कल. नाउ दिस आर द एंगल्स, ओके. एंड एंगल्स में ये क्या हो जाएंगे आपके पॉइंट्स. तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपने इन पॉइंट्स को मार्क कर दिया है, ओके. एंड उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लाइंस बना दी है. वो लाइंस है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर पॉइंट से पास हो रही है. यहाँ पे भी जो लाइंस है वो सेंटर पॉइंट से पास हो रही है. फिर आपने क्या करना है, पॉइंट्स को मार्क कर देने का है, ठीक है. आपने पॉइंट्स को मार्क करने के बाद जितने भी पॉइंट्स है वहां पे सब जगह पे आपको फ्लैट फेस बनाना है, ठीक है. फ्लैट फेस बनाना है. उसके बाद जो इसके टेंजेंट में जो चीज आएगी दैट विल बी योर कैम प्रोफाइल. एंड नाउ दिस इज योर फाइनल कैम प्रोफाइल एंड दिस इज द कैलकुलेशंस. ये कैलकुलेशंस कर दिया अपन ने. सो नाउ थैंक यू. अगर कोई भी आपको डाउट हो यू कैन कमेंट. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.